आपते हाथों से भेलपुरी बनाते यह हैं 83 वर्षीय धर्मचंद जैन, जो सोशल मीडिया पर बाबा के ढाबा की तरह जबलपुर में वायरल हो रहे हैं। आज हम खड़े हैं भंवरताल गार्डन के मुख्य द्वार पर और यहाँ पर हम आए हैं एक खास व्यक्ति से मिलने के लिए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं बाबा के ढाबा की तरह धर्मचंद जैन, ये 83 वर्षीय बुजुर्ग जो यहाँ पर भेलपुड़ी का ठेला लगाते हैं। आज हम उनसे मिलने के लिए आए हैं और जानते हैं इनसे कि ये कब से यहाँ पर भेलपुड़ी का ठेला लगाते हैं और कितनी कमाई कर पाते हैं। धर्मचंद जी नमस्कार, आप कब से यहाँ पर दुकान लगा रहे हैं? यहाँ पर 25 साल हो गए। 25 साल से दुकान लगा रहे हैं और आप भेलपुड़ी बेचते हैं? भेलपुड़ियों को जानते नहीं। अच्छा, और घर में परिवार में कौन कौन है? घर में परिवार हमारे एक नाती है, एक लड़के बहू है, तो वो अलग रहते दोनों, मैं एक नाती और हम दोनों इकट्ठे रहते। अच्छा, आप नाती को अपने साथ? हाँ। कहाँ पर रहते हैं? दीक्षित का छोटी शेर माई मंदिर के पास रहता है। इससे कितनी आपकी कमाई हो जाती होगी रोज? अब बिक्री के ऊपर जितना हो जाए फिर भी लगभग? हाँ, खर्चा 250 रुपये मिल जाती। 250 रुपये दिन का मिल जाता, उसके बाद फिर इसमें से पूरा खर्चा निकालना पड़ता है, सामान खरीदना जी, कभी कभी नहीं बिकता। कहाँ पर रहते हैं? दीक्षित छोटी शेर माई मंदिर। तो यहाँ पर कैसे आते हैं? वहाँ रिक्शा में आते हैं, रिक्शा में जाते हैं। अच्छा, रिक्शे का भी किराया लगता है? 40 आना 40 जाना। अभी आप सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हैं, लोग सोशल मीडिया पे आपकी वीडियो शेयर कर रहे हैं कि आपके पास आया जाए और लोग यहाँ पर आके भेलपुरी का स्वाद। नहीं, हम तो आपकी भेलपुरी में ऐसा क्या खास है कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं? क्या बताओगे, ये तो मैं नहीं बोल सकता, आप जो खाता है उसको मालूम पड़ा क्या है क्या। और इस उम्र में भी आपको क्या ऐसा प्रेरणा देता है कि आपको लगता है कि आप काम करें? हमारा प्रेरणा ये रहता है कि बैठ के घर में खाते हैं। 2020 में ना 8 महीना घर में रहे, कोरोना में बीमार हो गए रहे, पर इसके बाद दवाई कराई, फिर आने लगे, खुल गया गार्डन, थोड़ा चालू हो गया तो आने लगे। मतलब कोरोना के टाइम पर भी काफ़ी समस्या थी। हाँ, समय। तो ये थे जबलपुर के धर्मचंद जैन जी, जो यहाँ पर भेलपुरी की एक रेहड़ी लगाते हैं। इनसाइड इंडिया न्यूज़ अपने सभी दर्शकों से यह निवेदन करता है कि एक बार जरूर आएं और यहाँ पर आकर इस भेलपुरी का स्वाद चखें, आपको दिल से संतुष्टि मिलेगी। 20 रुपये हुए ना, 80 रुपये आप मेरी तरफ से रखिए, ठीक है? आप रखिए मेरी तरफ, ठीक है? खुश है? अभी किसी से इसका शिकायत नहीं कर सकता मेरी कोई भी। बहुत पुलिस वाली भी आते शाम को और ज़्यादा इसकी मेहनत से मैं आप खा रहे, मेहनत करके बहुत खुश।